नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त बारा से आ रही है। अंता में नगर पालिका चुनाव परिणाम के बाद पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। निर्दलीय जीती महिला उम्मीदवार के घर पहुंची पुलिस। बारा बंदी के लिए जबरन ले जाने की कोशिश की। मौके पर मोहल्ले के लोगों का विरोध देखा गया। भाजपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर जताया विरोध। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के इशारे पर ले जाने का लगाया आरोप। सांसद दुष्यंत सिंह पार्षद के घर पहुंचकर ले गए अपने साथ। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बारा में अंता में नगर पालिका चुनाव के परिणाम के बाद पुलिस की गुंडागर्दी। निर्दलीय जीती महिला उम्मीदवार के घर पहुंचे पुलिस और बारा बंदी के लिए जबरन ले जाने की कोशिश की। मौके पर मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया और भाजपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर जताया विरोध। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के इशारे पर ले जाने का आरोप लगा है। इधर सांसद दुष्यंत सिंह को जैसे ही जानकारी मिली पार्षद के घर पहुंचे और अपने साथ ले गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बारा से। आपको बता दें कि मौके पर मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया पुलिस का, उसके बाद किसी तरीके से रोका जा सका। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। निर्दलीय जीती महिला उम्मीदवार के घर पहुंची पुलिस। आरोप ये लगा है कि पुलिस जबरन बाड़े बंदी के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी के कई नेता वहां पर पहुंचे, जिसके बाद किसी तरीके से उस महिला को सांसद दुष्यंत सिंह पहुंचे और अपने साथ ले गए। भाजपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया। बारा में अंता में नगर पालिका चुनाव के दौरान निर्दलीय जीती महिला उम्मीदवार के घर पहुंचे पुलिस और आरोप ये लगा है कि बाड़े बंदी के लिए जबरन पुलिस अपने साथ ले जाना चाहती थी। मौके पर मोहल्ले के लोगों ने इस दौरान विरोध किया। ये बड़ी खबर भाजपा नेताओं के मौके पर पहुंचने के बाद विरोध और बढ़ गया पुलिस का और बारा के अंता में। हालांकि खबर यह भी है कि दुष्यंत सिंह बाद में वहां पर पहुंचे सांसद और उन्होंने अपने साथ इस महिला को बाद में ले गए।